ओर योगी सरकार सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई कराने को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी ओर जनपद जालौन के ब्लॉक डकोर में आने वाले ग्राम अटरिया में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका की लापरवाही सामने आई, जिससे कि ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का मानना है कि अगर पूर्व माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका वंदना श्रीवास्तव एवं अनुदेशिका मीनू श्रीवास्तव अगर ग्राम अटरिया में बच्चों के बीच रहेंगी तो अभिभावक अपने बच्चों का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय से काट कर दूसरे स्कूल में भेज सकते हैं, जिससे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटरिया में बच्चों की संख्या लगभग 137 बताई जा रही है, वहीं घटकर 50 रह सकती है, क्योंकि पूर्व माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका वंदना श्रीवास्तव एवं अनुदेशिका मीनू श्रीवास्तव का बच्चों व अभिभावकों के प्रति गलत व्यवहार देखा जा रहा है। इसी के चलते ग्राम प्रधान अटरिया के साथ मिलकर दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर मन्नान अख्तर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटरिया में तैनात शिक्षिका वंदना श्रीवास्तव को किसी दूसरी जगह भेजने की बात की गई, जिससे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटरिया में बच्चों की संख्या कम न हो सके और सरकारी स्कूल सुचारू रूप से संचालित रहे। हम लोग इस वजह से डीएम कार्यालय में आए क्योंकि हमारे यहाँ पर मीनू श्रीवास्तव जो अनुदेशिका है वो समय पर विद्यालय नहीं आती है, इस वजह से हम लोगों को उनको अवगत कराया और कहा गया कि आप लोग विद्यालय समय पर आए, तो वो समय पर नहीं आती थी तो उसके लिए अध्यापकों के द्वारा उनको रोका गया, उनसे कहा गया इस चीज को कि आप समय पर हैं तो वो लोग नहीं आती हैं, तो इस पर उन्होंने ये कहा है जिनका आरोप लगाया कि अध्यापकों ने मेरे साथ छिड़खानी की, तो ये ऐसा कहीं कुछ नहीं, उस पर पुलिस विवेचना की गई। इसके बाद में पुलिस वो FDI साहब भी अटरिया आए DSP साहब के आदेश के अनुसार, तो उन्होंने वहाँ पर देखा, हम लोग गांव के कम से कम 500 लोग इकट्ठे थे स्कूल में, तब वहाँ देखा गया तो ये कहीं कुछ ऐसा पाया नहीं गया है, तो उसने ये सब निराधार थी, तो इस चीज़ को लेकर आए कि ये या तो वहाँ पर अध्यापकों को ऐसे अध्यापकों को हटाया गया।